चंद्रु, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है, दैट्स ऑल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे हाल फिलहाल रिलीज हुई साउथ इंडिया की एक सुपर डुपर हिट फिल्म, जिसका की टाइटल है जय भीम। और ये फिल्म ना वास्तव में काफ़ी ऊपर जा रही है अगर सच कहूँ तो, क्योंकि गाइस उसको हर तरफ से पॉजिटिव से भी ज़्यादा पॉजिटिव होता है ना वही रिस्पांस मिल रहा है। अगर बात करें लीडिंग कास्ट को लेकर, तो लीडिंग कास्ट में आपको पता ही है नज़र आ रहे हैं साउथ इंडिया के सुपरस्टार, बेहतरीन स्टार सूर्या। वेल, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें इसके बाद जाना जाएगा। आपको पता है इनकी फिल्म आई थी खतरनाक खिलाड़ी 2, जिसके बाद इन्हें जाना जा रहा था सूर्या भाई के नाम से। अब लोग बोल रहे हैं इन्हें जाना जाएगा जय भीम के नाम से। क्या आपको ये बात पसंद आई या नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगर कलेक्शन की बात आती है तो आपको बता दूँ, सूर्या स्टार फिल्म जय भीम, जिसे कि प्रोड्यूस खुद सूर्या और इनकी वाइफ ज्योतिका ने किया है इनके प्रोडक्शन हाउस में, जहाँ पर इसका बजट है महज 10 से 20 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर कलेक्शन की बात आए तो कलेक्शन गाइस काफ़ी ज़्यादा कर चुकी है ये फिल्म, जो कि रिलीज़ हुई है जाने माने OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर, जहाँ पर इस फिल्म को हद से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आज संडे होने के कारण ये फिल्म अपने 20वें दिन कलेक्शन कर रही है कम से कम 8 करोड़ रुपए तक का, आसानी से 8 से 7 करोड़ का आसानी से कलेक्शन कर रही है। जिसके बाद जो उसका कलेक्शन हो चुका है अब, यानी कि 20 दिनों के अंदर अंदर वो हो चुका है गाइस कम से कम 270 तो नहीं कहेंगे लेकिन 254 करोड़ के आसपास हो चुका है इस फिल्म का अभी तक का कलेक्शन, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जिसको अब वर्डिक्ट मिल रहा है वो है सुपर डुपर हिट ब्लॉकबास्टर का, जो कि गाइज हर किसी फिल्म को नहीं मिलता और इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वेल, आपने फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि गाइज लोग कह रहे हैं इस फिल्म को हर तरह के अवार्ड्स जितने भी फिल्मों के लिए बने हैं इस फिल्म को मिलने चाहिए, ये फिल्म डिज़र्व करती है। इसका एक कारण है, वो है इसकी रेटिंग, जो इससे पहले कभी किसी फिल्म को नहीं मिली इंडियन सिनेमा में, 9.6। मुझे लग रहा है बस यही कारण है कि ये फिल्म ऊपर जाएगी और डेफिनेटली ऊपर जाने वाली है। वेल, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या है राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।